इंडिया के पास तो अपने पूरे हथियार हैं, ठीक हाँ। है भाई, पहले टेस्ट आपने देखा किस तरह निकाल के गए, इनिंग डिफीट दी ऑस्ट्रेलिया को, 132 रन की शिकस्त है ऑस्ट्रेलिया को, बड़ी लंबी शिकस्त हो गई इनिंग डिफीट के साथ। मगर साथ में दिल्ली अगर आए तो दिल्ली में भी अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि स्टार अवेलेबल होंगे। पुजारा का शायद सवा टेस्ट है वो, हंड्रेड लिख के बता दो यार, हो सकता है आगे पुजारा का 100 टेस्ट है ना वो। अच्छा तो इधर हेजलवुड का भी कंफर्म नहीं, तो ऑस्ट्रेलिया अभी थोड़ी टूट फूट का शिकार जरूर है, अभी तक वो कंप्लीट असेंबल नहीं हुई ऑस्ट्रेलिया। दिल्ली उनके लिए सबसे अहम मुकाम है जहां पर वो कोशिश करेंगे इस सीरीज को यही लेवल करके आगे, फिर जो दो मैचेस हैं उसके अंदर को कार्रवाई उतार रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के पास। अगला टेस्ट इस सीरीज की दिशा जो परसों होगा शुरू, वो इस सीरीज की डायरेक्शन सेट करने वाला है पूरा टेस्ट, कि अगर ऑस्ट्रेलिया बाउंस बैक कर तो डेफिनेटली फिर इंडिया के सामने एक नया चैलेंज आएगा कि अब इस जगह से कमबैक कैसे करना है। लेकिन भाई ये क्रिकेट खेल के कमबैक होगा, ये सिर्फ बात करके मैं बता रहा हूँ, मुझे ऐसा कोई फील नहीं आ रहा, सिर्फ ये फील आ रहा है कि अगर कदरे बेहतर अप्लाई किया तो ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज वहां पर एक तगड़ा टोटल कर सकते हैं। लेकिन भारतीय बैटिंग लाइनअप भी जिस विकेट पर ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज स्पिन के अगेंस्ट खुद को अप्लाई कर गए और रन्स कर गए, मैं उस विकेट पर ऐसा नहीं देख रहा कि भारत उतने रन्स ना कर सके पहली इनिंग में जितने ये करके गए। मैं सिर्फ रोहित शर्मा की बात नहीं कर रहा, लेकिन हाँ विराट कोहली को इन दिनों थोड़े संगीन प्रॉब्लम हो रहे हैं स्पिन के अगेंस्ट, घूमती हुई गेंदों के अगेंस्ट, टर्न होती हुई गेंदों के अगेंस्ट। तो बात वो मैं ये कहता हूँ कि मॉडर्न डे क्रिकेट में कुछ शॉट्स आपको निकालने पड़ते हैं, जो प्रॉपर क्रिकेटर्स होते हैं वो नॉर्मली सीधी क्रिकेट खेलते हैं, तो थोड़ी सी आपको सूर्या स्टाइल की क्रिकेट खेल के मर्फी वगैरह को टैकल करना होगा, इसको निकल के मारना होगा, एक आधा छक्का पा टांग रख के स्वीप मारना होगा, पीछे करेगा तो हटके कट मारना होगा, ताकि ये डेब्यूटांट जो अब दूसरे मैच में उतरेगा और ये चौड़े में होगा इसका कॉन्फिडेंस, ये तो सोचे कि अब मैंने बॉल की लेंथ क्या कर दी है, पीछे भी मार दिया, आगे भी मार दिया, ऑफ स्टंप के बाहर भी कट रख दिया, इनसाइड आउट भी मार दिया। इनसाइड आउट तो खैर बड़ी मौत हो जाएगा अगर उतनी टर्न हो रही हुई विकेट। इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया कल से सेकंड टेस्ट शुरू है, और यार इंडिया की पोजीशन थ्रू आउट द टेस्ट बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया इन द सेंस किया, देखो इंडिया पहला मैच बहुत ही बड़े मार्जिन से जीती और कॉम्प्रिहेंसिवली जीती है, इसकी वजह से यार ऑस्ट्रेलिया के जो हौसले है ना वो बिल्कुल बुरी तरीके से टूट गए इन द सेंस की यार इनिंग्स और 132 रनों से जो टीम हारती है फिर उसका अगले मैच में मनोबल क्या होगा वो आप लोग सोच सकते हैं। हालांकि बाउंस बैक करना तो एक अच्छी टीम की खासियत है, ऑस्ट्रेलिया भी कर सकती है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन टीम इंडिया भी यार अपने घर में उतनी ही लीथल है कि टीम इंडिया को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। और अभी तो ऊपर से सिर्फ रोहित शर्मा का ही रहना है, अभी तो विराट कोहली भी रह गया है और केएल राहुल भी रह रहे हैं, अगर तो भाई विराट कोहली और केएल राहुल में से रन आए तो ऑस्ट्रेलिया को जीतना मुश्किल है, क्योंकि यार दोनों ही क्लास खिलाड़ी है यार, बेशक से केएल राहुल की बात कर ले, और अगर केएल राहुल को हटा के सुमन गिल को भी ला दिया गया तो यार कोई बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि गिल इस समय जिस हिसाब के फॉर्म में है तो उन्हें केएल राहुल के ऊपर प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। अगर चेतन शर्मा जैसे सेलेक्टर है भाई तो क्या हो गया, तो मैं बुलाओ केएल राहुल को, बुलाओ रेस्ट करवाओ और गिल को खिलाओ। खैर और इसके बाद यार अभी स्काई को भी सिर्फ एक ही इनिंग मिली है टेस्ट में, तो यार अभी स्काई को भी मौका दे के, और ये जो है जो नसीम शाह साहब हैं, नसीम शाह साहब बॉलिंग अच्छी करते हैं, हम सबको पसंद भी हैं, मेहनत करते हैं, बट जो मैं इनकी फिटनेस का मेयार देखता आया हूँ, ये जो लड़का खेल रहा है एहसानुल्लाह मुल्तान में, आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए नसीम हसनैन कम से कम इन दोनों से अच्छा लिमिटेड ओवर्स में तो साबित हो सकता है। और पाकिस्तान क्रिकेट में एक थॉट प्रोसेस की हमेशा से कमी है, अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं बोलूंगा ये हो क्या रही है पाकिस्तान सुपर लीग, आप कहते हो उसमें लोगों को एक्सपोजर बिल्कुल देना चाहिए, मिसाल भी दे देता हूं, मैंने उस मिसाल से नहीं सीखा लेकिन मुझे मिसाल बाद में याद आई, अब्दुल रजाक 1997 में आए, डेब्यू किया, ये रिजवान LBW है, फिल्म अगर एम्पायर सेटिंग में हुआ तो नहीं देगा, ऊपर जा सकती है बॉल से, रिव्यू लो यार, ये विकेट मुश्किल है, ये 140-150 रन पे गले पड़ जाते, ये रन भी ये मना कर रहे हैं सरफराज, मना कर रहे हैं, कह रहे रिजवान का नहीं लो मेरे घर पे खाना खा के गया, नहीं लो मेरी तारीफे कर रहा है, ले लिया नहीं लिया ना, टाइमर ही नहीं आया अभी, अगर ये नहीं लिया तो इसका मतलब है सैफी को ड्रामेबाजी चल रही है, चल रही है कोई, आप ये वाला खेलो मैं ये वाला खेलूंगा, अच्छा बॉल यूं ये सीम से ऐसे निकला, बॉल लीव किया, तो ये देखो भाई ये हर बॉल लेग स्टंप पे खेलता है ये आदमी भी,
ये आदमी जो पाकिस्तान क्रिकेट की पहली पहली फौकियत है, ये आदमी हर बॉल बल्ला चेक करें कहां जा रहा है उसका। बल्ला पहली इसने टर्न कर दिया बॉल आने से पहले ही, ऑटोमेटिक है ना। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये जो एहसान उल्ला हमारे यहाँ निकला है, इसने मुझे थोड़ी सी ओलिवियर की याद, ओलिवियर की याद दिला दी, वो जो साउथ अफ्रीका ने 150 का सीधा है भाई, 150 का जब वो बॉल फेंक रहा है ना, इतना रिलैक्स और स्मूथ उसका रिलीज है, मतलब देखने से ताल्लुक है, वो देखने में इस खूबसूरत लग रहा है। वो बॉल तो बोले 120 का फेंके, मगर जब बॉल रिलीज करता है बड़ी जबरदस्त कर रहा है, और मिला हुआ चाचू खा गया आज मेरा, वो चाचू खा गया, चाचू भी खा गया वो आज। चलो एक आधा दिन तो सभी फ्लॉप होते हैं, आज मुंह धोके बैठा था, एक दो छक्के देख लेगा, मगर ये एहसान उल्ला अब टारगेट पे है, बता दूं मैं आपको, चाचू आज अच्छा बॉल फेंक गया। मैं वैसे आपको क्रिकेटिंग सेंस में बताऊं, ऑस्ट्रेलिया के लिए अब अगर वापस वहीं आए, क्योंकि कल से इस पे दो दिन से बात नहीं हुई, कि ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई आसान बात नहीं है कम बैक करना। जो लोग ये ख्वाब देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया कोई जो है वो बड़ा वन साइडेड, हाँ इंडिया को क्या सोचना है कि अगर कप्तान रोहित शर्मा फ्लॉप हो गए पहली इनिंग में, तो फिर इंडिया की तरफ से वो वाली बारी कौन खेलेगा। एक बड़ी बारी की नीड आती है पहली इनिंग में, गेम को एक तरफ करने, और ये पिच उससे थोड़ी मुख्तलिफ जरूर हो सकती है। टर्न तो देखे इंडिया ने बनाना तो स्पिनिंग ही ट्रैक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अगर वो 150 वाला भी खिला लिया ये नहीं डर होगा। मैं ये समझता हूं कि थोड़ी सी डिसेंट विकेट दें आप, दें, क्योंकि उससे विराट कोहली भी रन करेंगे, उससे अगर अय्यर खेले या पुजारा खेले वो भी रन्स करेंगे। ज्यादा स्पिन होती हुई गेंदों पे आपके कुछ बल्लेबाजों को भी उतना ही संगीन प्रॉब्लम है जितना ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को प्रॉब्लम है। यार मेरे ख्याल में विराट अपने घर पे खेल रहे हैं, और यहाँ 100 तो बनता है उनका, दिल्ली में बनता है। देखिए फिरोज शाह कोटला को जो अरुण जेटली कर दिया गया है, नाम बदलने से फर्क पड़ता, कोहली स्टैंड है उधर, और ये वो मैदान है जहाँ अनिल कुंबले ने रिकॉर्ड बनाया था पाकिस्तान के खिलाफ, 10 विकेटें ली थी, और क्योंकि ये नंबर वन टेस्ट टीम होने की जंग है ये सीरीज, असल में आप नंबर वन उतरेंगे, अगर नहीं है तो नंबर वन लेने के लिए उतरेंगे। चलो मैं यूं कर लेता हूं, है ना आपने इन्हें हराया है ना यार, तो मैं ये कह रहा हूं कि यार ये दिल्ली टेस्ट इंडिया सील कर देगा सीरीज, यहां पे पैक कर देगा, यहां पे ये पैक कर देंगे, कमबैक से अब तुम जीत नहीं सकते, ड्रॉ तो कर सकते हो, बट ड्रॉ की तरह जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया मगल में, ऑस्ट्रेलिया की मौत ही दिल्ली में होगी, मैं बता रहा हूं, ये क्या क्या बोलते हैं वो राजधानी में जो है ना बजा दी जाए इनकी बाहर के दिल्ली की। तो मैं कह रहा हूँ ये अच्छा मौका इंडिया को अब मिला है, मगर ऐसे वक्त में एक ऐसा मनुष्य शक्ल लेके खड़ा हुआ है ये चेतन शर्मा, क्या आपकी काबिलियत पे उसने सवाल उठा दिया, और एक ऐसी टीम के खिलाफ, अबे पता भी है ऑस्ट्रेलियन मीडिया किस तरह मसाला जोड़ेगा इसके अंदर अब पकड़ के, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। वो इसी बात पे ना कहें कि इनके लिए डोप कानून भी नहीं है, हम इसलिए हार गए, इनके तो लड़के अनफिट। आपको पता है उन्होंने सीरीज में पिचेस देखे बगैर जिस विकेट पे रोहित शर्मा ने इतनी बड़ी सौ की, इन्होंने क्या क्या नहीं कह दिया था, ऐसा लग रहा था उस विकेट पे आप बॉल डालोगे तो वो दलदल है, बॉल बैट्समैन के पास जाने के बजाय नीचे से जाके विकेट। और यहीं पे चेक कर लेना चाहिए कि यार इसका ही कैपेबल है या नहीं, अभी क्या पता जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट खिला दे तो वहां तो इसका ही मार ही देगा, उसका क्या मतलब। तो अभी यहाँ पे स्काई को मौके मिलने चाहिए इनफ ताकि वो अपने आप को दिखा सके। और बैटिंग यार इंडिया का ऑल ओवर सेट है, क्योंकि नीचे से जडेजा और अक्षर की जो पावर है वो किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और अलोंग विद समी, क्योंकि क्रूशियल मोमेंट पे 25-30 देना समी की हमेशा से आदत रही है, तो समी भी यार उतने ही जरूरी है टीम इंडिया में एज अ बैट्समैन। इसके बाद थोड़ी सी बॉलिंग की भी बात करते हैं, तो ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप में ले देखे मर्फी ने तुक्के से विकेट्स लिए, आप लोगों ने देखा कहीं पीछे से ले ली तो कहीं स्वीप मारते हुए ले ली, लेकिन यार मर्फी अब चलने वाला है नहीं, ठीक है। और तो और की अब इस मैच में विराट कोहली की परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा देखी जाएगी, तो इसलिए विराट कोहली के रोकना भी ऑस्ट्रेलियन बॉलर को शायद थोड़ा मुश्किल हो जाए। और वैसे भी इनके मेन दो गेंदबाज हेजलवुड और स्टार सीरीज से ही बाहर है, वैसे तो बहुत उछलते हैं कि हम अपने देश के लिए कुछ भी कर देंगे, तो भाई आ जाओ एक कोई, खैर इनकी बात अलग है। और इंडियन स्पिनर और फास्टर बॉलर्स तो यार ऑन द वे है, ऑन द वे इन द सेंस कि यार शमी और सिद्धार्थ जाते ही चटका देते हैं किसी ना किसी को, स्पिनर लगाओ जडेजा अश्विन कोई ना कोई चटका देता है, तो भाई इंडिया में और इंडियन बॉलिंग में कोई प्रॉब्लम रहती नहीं है। वैसे अगर तो विकेट नहीं गिरती तो गुच्छे में विकेट ले लेते हैं, और विकेट गिरने लगती है तो फिर इनिंग 132 से हारत जाते हैं कोई टीम, तो इंडिया ऑल फाइन है सेकंड टेस्ट के लिए। चेतन वेतन की बात यार विराट कोहली पे दबाव डालती है, तो पॉसिबल यही होना चाहिए कि चेतन शर्मा जैसे लोगों को दूरी रखा जाए। और वासे भाई थोड़ा पीएसएल की भी बात कर रहे हैं, तो आप लोग मिला जुला के देख लीजिए, क्योंकि यार वासे भाई से बड़ा इन द सेंस कि यार जो रियल एनालिसिस होता है वो वासे और इफी भाई के पास ही, तो आप वासे अभी चैनल को विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद जय हिंद।